हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू टू बैंकिंग आईक्यू। और बैंकिंग आईक्यू में आज हम लोग बात करेंगे 27 मार्च 2019 के सारे करंट अफेयर। ये वीडियो होगा हिंदी में और मेरा नाम है कुमार गौरव। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला सवाल है, फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 4000 रन इन जस्ट 113 मैचेज इन IPL। तो फास्टेस्ट बैट्समैन कौन बने हैं जिन्होंने 113 मैचेज में 4000 रन क्रॉस किया है, ठीक है, IPL में, इंडियन प्रीमियर लीग में। ओके, तो ये बैट्समैन बने हैं क्रिस गेल। ओके, क्रिस गेल, और क्रिस गेल खेलते हैं किंग्स इलेवन पंजाब के लिए, और ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, और इन्होंने अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है कि ये वर्ल्ड कप 2019 के बाद रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, क्रिकेट से, ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। और वर्ल्ड कप होने वाला है 2019 का इंग्लैंड एंड वेल्स में। और सुरेश रैना ये पहले प्लेयर बने हैं IPL के जिन्होंने 5000 रनों का जो मार्क होता है उसको क्रॉस किया है। और सुरेश रैना खेलते हैं CSK के लिए, यानी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और क्रिस गेल ने राजस्थान रॉयल के साथ के खिलाफ जो कल मैच खेला था उसमें इन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है, ठीक है। और कल ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल रन आउट हुआ है जिसको माकंड रन आउट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो जिस प्लेयर के नाम पे ये रन आउट स्टार्ट हुआ है, कॉन्ट्रोवर्शियल रन आउट था जो आर अश्विन ने जॉस बटलर को किया था, ठीक है, तो ये भी एक इंडियन प्लेयर के नाम पे ही स्टार्ट हुआ है माकंड। ओके, एंड उनका नाम था वीनू माकंड। ओके, तो ये भी एक इंडियन प्लेयर ही थे, तो आप याद रखेंगे। द नेक्स्ट इज़ हु इनोग्रेटेड फिनटेक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज बाई नीति आयोग इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया फिनटेक कॉन्क्लेव, और ये आयोजित किया गया था कॉन्क्लेव नीति आयोग के द्वारा। तो इसका उद्घाटन किसने किया, तो फिनटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया था शक्तिकांता दास के द्वारा। शक्तिकांता दास 25वें गवर्नर हैं RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और इस कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किया था अमिताभ कांत ने, जो कि CEO हैं नीति आयोग के, और जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं नए, जिनका नाम है सुभाष चंद्र गर्ग। ओके, दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, तो आप याद रखेंगे। फॉर ओवर 2 लाख दिव्यांग वोटर्स इलेक्शन कमीशन हैड लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड PWD ऐप इन विच स्टेट। तो एक PWD ऐप लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है दिव्यांग लोगों के लिए, यानी कि फिजिकली तौर पे जो डिसेबल्ड है उनके लिए, और इनकी संख्या है 2 लाख। तो इलेक्शन कमीशन ने इनके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन को कौन से राज्य में लॉन्च किया गया है, तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सी विजिल नाम का भी एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, जो कि सिटीजन के लिए है, और एक ऑब्जर्वर्स के लिए ऐप लॉन्च किया गया इलेक्शन ऑब्जर्वर्स के लिए, जिसका नाम है ऑब्जर्वर ऐप। तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र में तड़ोपा नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क और गुंगामल नेशनल पार्क। विच अथॉरिटी लॉन्च द हाउसिंग स्कीम फॉर 2019 अंडर विच इट विल ऑफर 18,000 फ्लैट्स स्प्रेड अक्रॉस नरेला एंड वसंत कुंज। तो कौन से अथॉरिटी ने अभी हाउसिंग स्कीम फॉर 2019 को लॉन्च किया है, और इसके अंतर्गत 18,000 फ्लैट जो कि नरेला और बसंत कुंज में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये अथॉरिटी है DDA, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये काम करती है दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत। और दिल्ली गवर्नमेंट के CM है अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के गवर्नर है अनिल बैजल। ओके, और नरेला और बसंत कुंज ये दोनों दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। हु अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई कांग्रेस। तो मुंबई कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मुंबई कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मिलिंद देवरा, और ये संजय निरुपम की जगह लेंगे। ओके, तो संजय निरुपम को हटा दिया गया है मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, तो आप याद रखेंगे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1885 में, और इसका फाउंडर थे AO Hume, जो कि ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट थे रिटायर्ड। और INC के पहले प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी, पहली महिला प्रेसिडेंट थी एनी विजेंट, और पहली महिला इंडियन प्रेसिडेंट थी सरोजिनी नायडू, तो आप याद रखेंगे। और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे INC के बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, US डिफेंस सेक्रेटरी ओकेज हाउ मच फंड फॉर बिल्डिंग 57 माइल्स ऑफ 18-foot हाई फेंसिंग इन यूमा अरिजोना इल पासो टेक्सास अलोंग US बॉर्डर विथ मैक्सिको। तो US की जो बॉर्डर लगती है मैक्सिको के साथ, ठीक है, उसमें 57 माइल लंबा और 18-foot हाइट का एक बॉर्डर वॉल बनाया जा रहा है, जिसके कारण ट्रंप ने शटडाउन भी किया था और उसके बाद इमरजेंसी भी लगा दी थी यूनाइटेड स्टेट में, क्योंकि उनको उसके लिए फंड नहीं मिल पा रहा था। बट अब US के जो डिफेंस सेक्रेटरी है, और US के अभी ये एक्टिंग डिफेंस सेक्रेटरी है जिनका नाम है पैट्रिक स्नाहन, इन्होंने $1 बिलियन का फंड को ओके कर दिया है, 1 बिलियन। और इस फेंसिंग की लंबाई है 57 माइल की। ओके, तो आप याद रखेंगे मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, करेंसी है पीसो। ओके, और पीसो फिलीपींस की भी करेंसी है, कोलंबिया की भी करेंसी है पीसो, और अर्जेंटीना की भी करेंसी है पीसो ही।
Saudi Arabia denounces United States recognition of Golan Heights as Israeli territory. Golan Heights was annexed in. तो सऊदी अरेबिया ने अभी यूएस का जो डिसीजन था, जो यूएस ने रिकॉग्निशन मान्यता दे दी है गोलन हाइट को एज इजरायली टेरिटरी, ओके, तो उसको डिनाउंस किया है, उसकी भर्त्सना की है, ठीक है. और सऊदी अरेबिया ने इस डिसीजन की भर्त्सना की है. तो गोलन हाइट को कब अनेक्स किया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अभी यूनाइटेड स्टेट के दौरे पे हैं, और इसराइल ने मिडिल ईस्ट के साथ एक वॉर लड़ा था और 1967 में गोलन हाइट को सीज़ किया गया था, और इसराइल ने 1981 में गोलन हाइट को अनेक्स कर लिया था. तो आप याद रखेंगे इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम, ओके, और जेरूसलम को इसराइली कैपिटल के तौर पे दो कंट्री ने मान्यता दी है, एक है यूनाइटेड स्टेट, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन. इंडियन नेवी न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी लॉन्च इन. तो इंडियन नेवी ने अपना न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी कहाँ पे लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है INS शिवाजी में, और INS शिवाजी है लोनावला में, ओके. और लोनावला एक हिल स्टेशन है जो कि मुंबई के पास है, ओके. और आपने इसका नाम बहुत सुना होगा बिग बॉस अगर आप देखते हो तो, ठीक है. तो ये मुंबई के नज़दीक है, और मुंबई है महाराष्ट्र में, ओके. तो आप याद रखेंगे. और इंडियन नेवी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी नेवी डे मनाता है 4 दिसंबर को, सबमरीन डे मनाता है 8 दिसंबर को, और इंडियन नेवी चीफ हैं सुनील लांबा, जो कि 23वें नेवी चीफ हैं, और ये रिटायर करेंगे 31 मई 2019 को, और 24वें नेवी चीफ के तौर पे अपॉइंट हुए हैं करमबीर सिंह, वाइस एडमिरल करमबीर सिंह. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड 5-member कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक 5-सदस्य कमेटी का गठन किया है, ठीक है. और ये कमेटी जो बनी है ये डिजिटल पेमेंट को कैसे और सिक्योर किया जाए उसके लिए बनी है. तो ये किसके चेयरमैनशिप में बनी है ये कमेटी, तो इस कमेटी को हेड करेंगे नंदन नीलेकेनी. नंदन नीलेकेनी ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं इन्फोसिस के, ओके. तो आप याद रखेंगे. और नंदन नीलेकेनी ने ही आधार कार्ड स्टार्ट किया था भारत में, और आधार कार्ड को की अथॉरिटी क्या है, UIDAI, ओके. UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो आप याद रखेंगे. अजय त्यागी ये सेबी के चीफ हैं, और बीरल आचार्य ये डेप्यूटी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और वीरल आचार्य MPC के भी मेंबर हैं, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो एक डेप्यूटी गवर्नर होते हैं उनमें वीरल आचार्य ही हैं. तो आप मित्र शक्ति 6 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड श्रीलंका आर्मी हैज़ बिगन इन. तो मित्र शक्ति जो है ये इसका 6th संस्करण है, और ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है भारतीय आर्मी और श्रीलंका आर्मी में, ओके. और ये अभी स्टार्ट हुआ है दिया तालवा में, दिया तालवा, और ये है श्रीलंका में, ओके. और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, प्राइम मिनिस्टर है रनिल विक्रमसिंघे, प्रेसिडेंट है मैत्रीपाला सिरिसेना, और हम्बनटोटा ये एक पोर्ट है श्रीलंका का जिसको चाइना ने 99 साल के लीज पे लिया हुआ है, और पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है अंडमान एंड निकोबार की, ओके. और पोर्ट ब्लेयर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है वीर सावरकर एयरपोर्ट. विच ई कॉमर्स कंपनी हैड पार्टनर्ड विथ गूगल टू ऑफर गूगल पे एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑप्शन. तो कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ने अभी गूगल के साथ पार्टनरशिप किया है और ये गूगल पे के तौर पे एक पेमेंट ऑप्शन देने जा रहे हैं. तो ये ई कॉमर्स कंपनी है यूनाइटेड स्टेट की, ओके. और इसका नाम है ईबे, ओके, ईबे. और अमेजोन के CEO हैं जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं. तो आप याद रखेंगे. और गूगल के बारे में मैं आपको बता दूँ कि गूगल का जो फाउंडेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1997 में. गूगल वॉज फाउंडेड इन 1997, और गूगल को फाउंड किया था सर्गी ब्रिन और लैरी पेज ने, और गूगल के अभी CEO हैं सुंदर पिचाई. US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑर्डर द विड्रॉल ऑफ एडिशनल लार्ज स्केल सैंक्शन ऑन विच कंट्री. तो US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ऑर्डर किया है, और इन्होंने जो सैंक्शन लगाए गए थे लार्ज तौर पे, यानी कि बहुत बड़े तौर पे और एडिशनल सैंक्शन थे, उसको हटा लिया है, ठीक है. उसको हटाने के लिए ऑर्डर किया है. तो ये जो लार्ज स्केल सैंक्शंस लगाए गए थे ये नॉर्थ कोरिया पे लगाए गए थे, ओके, नॉर्थ कोरिया पे. और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, करेंसी है वोन, और नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं किम जोंग उंग, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने 2 मीटिंग की है. पहली मीटिंग हुई थी सिंगापुर में, और दूसरी मीटिंग हुई थी हानोई में, जो कि राजधानी है वियतनाम की. तो आप याद रखेंगे. हालांकि दूसरी मीटिंग उतनी कारगर नहीं हुई थी, ठीक है. फिर भी इन्होंने ये लार्ज स्केल सैंक्शंस नहीं हटाया है, ठीक है. बसंत उत्सव ऑल्सो नोन एज डोल यात्रा और डोल उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट. तो बसंत उत्सव इसको इंट्रोड्यूस किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिसको डोल यात्रा और डोल उत्सव भी कहा जाता है. तो ये कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये लार्जली
वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है और यह बंगाली कल्चर का पार्ट है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी। और वेस्ट बंगाल में सिंगालीला नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व, सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क एंड जल्दापारा नेशनल पार्क। एन एमिनेंट फोक आर्टिस्ट, रेडियो कमेंटेटर, हारमोनियम प्लेयर, म्यूजिक कंपोजर एंड ऑथर हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 99 इन US। तो एक एमिनेंट फोक आर्टिस्ट, रेडियो कमेंटेटर, हारमोनियम प्लेयर, म्यूजिक कंपोजर भी थी और ये लेखिका भी थी, जिनका निधन हो गया यूनाइटेड स्टेट में और 99 साल में इनका निधन हुआ। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है बिंजामुरी अनसुईया देवी। ओके, बिंजामुरी अनसुईया देवी। ओके, और CS सिविली, ये कर्नाटका गवर्नमेंट में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर थे, इनका भी निधन हो गया है। शहनाज रहमतुल्ला, ये सिंगर थी बांग्लादेश की, इनका भी निधन हुआ है 67 साल की उम्र में। और मनोहर पर्रिकर, ये गोवा के 10वें CM थे। ओके, और ये 3 बार CM रह चुके हैं गोवा के और डिफेंस मिनिस्टर भी थे वे भारत के। ओके, तो इनका भी निधन हो गया है। और गोवा के अभी करंट CM है प्रमोद सावंत, तो आप याद रखेंगे। हु कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल टीचर प्राइज फॉर 2019 एट अ सेरेमनी इन दुबई। तो ग्लोबल टीचर प्रेस्टिजियस एक अवार्ड है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 के लिए किसे प्रदान किया गया है दुबई में। ओके, तो दुबई है यूनाइटेड अरब इमीरात में और इस सेरेमनी को होस्ट किया गया था हॉलीवुड एक्टर ह्यूज जैकमैन के द्वारा और इसमें ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 के लिए दिया गया है पीटर तबीची को, पीटर तबीची। और UAE की कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। द ललित कला अकादमी अनाउंस्ड 15 विनर्स ऑफ 60th एनुअल अकादमी अवार्ड। द अवार्ड इंक्लूड प्राइज मनी ऑफ, तो ललित कला अकादमी ने अभी 15 विजेता का नाम अनाउंस किया है और ये अनाउंस किया है 60वें एनुअल अकादमी अवार्ड में। ओके, तो इस अवार्ड में प्राइज मनी कितने का होता है? तो इस अवार्ड में प्राइज मनी होता है 1,00,000 रुपये का। ओके, 1,00,000 रुपये का कैश प्राइज दिया जाता है और इस साल 15 लोगों को चुना गया है, तो आप याद रखेंगे। हु नेम्ड एज एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका फॉर लोकसभा इलेक्शन फॉर 2019। तो लोकसभा इलेक्शन 2019 के लिए कर्नाटका के एम्बेसडर के तौर पे किसको नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है गिरीश कौड़ा को। गिरीश कौड़ा, ये हाई जंप से रिलेटेड है इनका नाम और ये पैरा ओलंपियन है, ठीक है, पैरा ओलंपियन, तो आप याद रखेंगे। राहुल द्रविड़, ये भी कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और ये फॉर्मर क्रिकेटर एंड फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडिया हैं। ओके, और इंडियन क्रिकेट टीम है और कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु, तो आप याद रखेंगे। रफ़ी आइटन हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92 वॉज अ स्पाई एंड फॉर्मर एजेंट ऑफ। तो रफ़ी आइटन, इनका निधन हो गया है 92 साल की उम्र में और ये एक जासूस थे। तो ये कौन से स्पाइंग एजेंसी के लिए जासूसी करते थे? तो ये एजेंट थे मोसाद के, मोसाद, और मोसाद स्पाइंग एजेंसी है इसराइल की। ओके, बहुत ही प्रोफेशनल है और बहुत ही ख़तरनाक है। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेंड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर वाज ऑब्जर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेंड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर, ये बेसिकली मीडिया पर्सन के लिए होता है, तो ये मनाया जाता है 25 मार्च को। और 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीवी डे, थीम था इट्स टाइम टू एंड द टीवी, ओके, ट्यूबरक्लोसिस। और 24 मार्च को ही पाकिस्तान डे, ओके, और 23 मार्च को शहीद दिवस या मार्टर्स डे। थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी 2019 इज। तो इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी, ये मनाया जाता है 25 मार्च को हर साल। ओके, और इस साल का थीम था रिमेंबर स्लेवरी। ओके, तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।